नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। ममता बनर्जी को हम लोग बना दे रहे हैं, खाली भेड़ चली हम लोग यहाँ पे है। नहीं नहीं, घटने का सीन भी है। लोग जान से हमारा 10 से 15 पुलिस वाला आया, पुलिस वाला, पुलिस पुलिस पुलिस। अभी मैं मौजूद हूँ बराकर मेन बाजार में, जहाँ पे घटना घटी। कल अरमान अंसारी, जो स्थानीय निवासी है देशभर से, उसको पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ही उसकी फाड़ी में ही मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया और लोग प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गए। सड़क में आगजनी की गई, पथराव किया गया। इस दौरान प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद हो गई और घटना पर काबू किया। ममता बनर्जी को हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग खाली वोट चलेंगे, मत बनाए मोहरा। ममता बनर्जी को हम लोग बता दे रहे हैं, खाली वोट चलेंगे हम लोग यहाँ पे है। नहीं नहीं, घटना क्या हुआ पहले वो बता। घटना यहाँ पे लड़का को जान मार दिया गया पुलिस। कौन मारा? पुलिस मार दिया जान। कब? कब? वो अरमान को यहाँ पे। अच्छा, यहाँ का लड़का थाना में लेकर मार दिया उसको। ममता बनर्जी को हम, मेरा बात सुनिए पहले, आप बात पूछिए। हम लोग ममता बनर्जी को मैसेज देना चाहते हैं कि सुन ले, हम लोग खाली वोट के लिए जो है ना मोहरा ले बनाए, हम लोग का इंसाफ चाहिए। अभी नेता लोग कहाँ गया है? अभी नेता लोग कहाँ गया बताइए? प्रशासन हम लोग को देखिए यहाँ पे भेस मारता है, लाठी चार्ज करता है यहाँ पे, पब्लिक क्या करेगा बताइए? आपका नाम दादा? दादा, उसको बेकसूर मार दिया गया, उसका नाम पे एफआईआर होनी चाहिए सबसे पहले। दादा, उसको घर से उठा के लेकर आया था उसको। हम लोग रात में सर घर में से वो लड़का को उठा के ले गया। अच्छा, और हमको बोला सर को बात है, तो फाड़ी में सर ले गया। फाड़ी वाला काम था यही कि उसके ऊपर जो फिर जैसा छोड़ा, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए क्या मुद्दा में तुम ले गया। चलिए, उसके नाम से एफआईआर वहाँ पर एक बार लफड़ा हुआ था, तो उसको अरमान मेरा भतीजा है। अच्छा, और हम उनका चचा, और वो फाड़ी वाला उठा के ले गया कुल्टी थाना रेफर किया रात 11 बजे। वहाँ इसका दर का सुनते मारा है कि रात में लड़का का मार के जान मार दिया। क्या लग रहा, पुलिस मार के आपका नाम बोलिए? MD शकील अंसारी। एक मिनट, हम लोग एक मैसेज में जगाते हैं ममता बनर्जी को, यह बात डायरेक्ट पहुँचे के इस बात का हमको इंसाफ चाहिए, और ये नेता किसी को नहीं चाहिए हम लोग। ममता बनर्जी से डायरेक्ट चाहिए इंसाफ, ठीक है? हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। ये लाठी चार्ज कर रहा, चमका रहा, ये ठीक नहीं है। आंदोलन करेगा आदमी, हमारा पर जुल्म करेगा, हम लोग पर आंदोलन तो करेगा आदमी जब मर्डर हो गया तो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि पब्लिक को मार दे, या पब्लिक को मारा जा रहा है यहाँ पे। वहाँ गाड़ी चला के पब्लिक को फंसाता। ममता बनर्जी को हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो, और आज ही हो। हम बस यही इतना, और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मारते मारते लग गया। अच्छा, का सीन भी है। लोग हमारा 10 से 15 वाला पुलिस 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 मारा। उसका नाम क्या था? अरमान अंसारी। अरमान अंसारी सब मिल के मारा है। अरमान का उम्र कितना? স্যার, দেখা গেল যে ফাড়ির ভেতরে গাড়ি জ্বালিয়ে দিল, রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। কি ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনা কালকে রাত্রিবেলায় একটা কমপ্লেন এসছে কি পুলিশ কাস্টডিতে ডেথ হয়েছে, ওটা আমরা তদন্ত করছি, ওটাকে নিয়ে কমপ্লেন নেওয়া হয়েছে যে মারা গেছেন বাবা কাছে। প্লাস দুজন প্রাইম অফিসিয়ার যে অফিসার মনে হচ্ছে যারা নিয়ে এসছে ওনারা সাসপেন্ড করা হয়েছে, আর বাকি অ্যাকশন হচ্ছে। বলছি যে মদ কি ঢুকে গেছিল থানার মধ্যে, ভাঙচুর করেছে থানায়? হঠাৎ করে মব একটা এখানে ঢুকে গিয়েছিল, পুলিশ ছিল, তবে মব ঢুকে কেউ যাচ্ছে আগুন লাগিয়ে দিল। গাড়িতে আগুন লাগিয়েছে, কজন ইঞ্জুর হয়েছে? ফাড়ির বাইরে যে CCTV ক্যামেরা সেটা ভেঙে দেখেছি। এখন যা স্টেবিলাইজ হচ্ছে, ঠিক আছে।
एक्शन क्या लीजिएगा सर, हम लोग कुछ बताएं एक्शन क्या हो रहा नहीं हो रहा, कौन देख लिया एक्शन क्या हो रहा नहीं हो रहा, आदमी भरोसा करता है अभी बोल के हम लोग घर भेज दिया क्या गारंटी है सर, क्या गारंटी है सर इसका, बाद में हो जाता है सर, दूर का ढोल सुहाना होता है सर, सामने ढोल चाहिए हम लोग बात करते हैं फैमिली से हुआ भी नहीं, खाली जो मारा उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा पास चार बार हम लोग कुछ मेरा कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ, मारते हुए लेके फाड़ी था सर, आप हमने फाड़ी के पीछे पीछे तो वहाँ भी कुत्ते तरह मारा सर, जहाँ तहाँ मारा था हम लोग सामने, बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, मारा सर उसका आप बोले पिएगा यहाँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग है सर, इसके बाबा गोलमान के बाबा को हमने ही थाना बुलाया, के बाबा को पुलिस ही थाना लेकर आया बताया और उनको बोला कि आपका जो भी कंप्लेंट है आप हमको दीजिए, हम उस पर एफआईआर करेंगे, पुलिस ही नहीं करा है वो चीज, इसमें आप बिल्कुल भी मत समझिए कि किसी तरीके से हम किसी को, हम लोग रिक्वेस्ट है पूरा पूरा गांव का रिक्वेस्ट था जो जो शामिल था घटना में इंक्वायरी करके उसको सजा हो, बिल्कुल होगा लिखित चाहिए सर, हम लोग करने से सर नहीं होगा, लिखित चाहिए हम लोग मारते हुए लेकर गया सीबीडीपी, इसको नोट कीजिए ठीक ना, बड़ा बाबू भी था समझ में, ये लोग चारों मिल गए, बड़ा बाबू भी मारा समझ में, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए जी जी जी, हम लोग इंसाफ चाहिए, कितना बजे था वो लेके गया, 12 बजे रात, अच्छा क्या बोल के लेके गया, वो अभी सोया हुआ था उस समय, खाना खा, वो खाना खाते वक्त लेके गया, अच्छा अच्छा जी जी, जो करता है जी, नमाज पढ़ के उधर से आ रहे हैं तो जाज बोल करके दरबान जो है वो बोला आपका लड़का को बड़ा जो उठा जी जी जी, मूर्ति का बराकर का बड़ा स्कॉर्पियो आया था उसी में सबको लेके गया, चार लड़का था लाल गंजी पहन, लड़के को शादी हुआ था ना, अभी तो काम नहीं करता, आपका नाम बताइए अम्मा, असगरी खातू, एक तो लड़के है मेरा मेरा दस बोले ना हमको इसको मेरा क्या हुआ, ए हम भी चंगे लोग ले 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 दादा, আমার নেতা হবার নাই ওই না 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 দাদা দাদা বলুন এই ঘটনার সম্বন্ধে কি বলুন, ঘটনার সম্বন্ধে কি, ঘটনাটা হচ্ছে পুলিশের মারের জন্য সে মারা গেছে এবং যেহেতু মারা গেছে এইগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনো কখনো ঘটে যায় কিন্তু অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা, দুঃখের ঘটনা, সুতরাং ছেলেটা তো ফিরে আসবে না, যে মারা গেল ফিরে আসতে আসতে, আমরা দোষীদের শাস্তি শুধু নয় একটা বেঁধে দেওয়ার যে শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, একজন সাধারণ মানুষ যখন মেরে দেয় একজনকে তার তার যে শাস্তি হয়, পুলিশে যেহেতু পুলিশের হাতে নিচে মারা গেছে, পুলিশের মারে নিচে মারা গেছে, তারও শাস্তি হওয়ার দরকার আছে, কারণ সংবিধানে পুলিশের জন্য তো আলাদা এর দেওয়া নেই ক্ষমতা দেওয়া নেই, আস্তে আস্তে সেই জন্য हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ आज चाहिए हम लोग को।